यस, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तो खैर ये एमसीक्यू में, इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बता दूंगा। अगर सवाल एमसीक्यू में आएगा तो शॉर्टकट लगा देना, अगर वैसे आएगा तो कम से कम 4 या 5 नंबर का सवाल आएगा। इसमें फॉर्मूले देखो ये इस्तेमाल होंगे, जरा समझना। इसका एक सवाल और भी आएगा अगला, इसमें फॉर्मूले ये इस्तेमाल होंगे। कौन से इस्तेमाल होंगे सीख लो। एक तो ये इस्तेमाल होगा इसके अंदर फॉर्मूला 2 sin A sin B बराबर, ठीक है, cos A - B - cos A + B। ये फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे इसके अंदर, इन्हें बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। 2 sin A sin B बराबर cos A - B - cos A + B, थोड़ा उल्टा है फॉर्मूला। ओके, और भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लाइक 2 cos A sin B बराबर sin A + B - sin A - B। चारों लिख दूं क्या? चारों लिख देता हूं। चलो एक और होता है 2 sin A cos B, इसका होता है क्या sin A + B + sin A - B, इन्हें बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। एक और होता है 2 cos A cos B, इसका होता है cos A + B और +cos A - B। ये रहा, मतलब यही थोड़ा बदतमीजी वाला फॉर्मूला है। पहले माइनस है, बाकी हर में देखो सब में पहले प्लस चल रहा है। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं, देखते हैं समझते हैं। शॉर्टकट भी मैं आपको इसका बताऊंगा, अगर एमसीक्यू में आएगा तो शॉर्टकट लगाना। अभी नहीं बताऊंगा, पहले लॉन्ग कट बताऊंगा, फिर बताऊंगा शॉर्टकट। आओ जी बच्चों सवाल पे आ जाओ। तो हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इसकी, इसकी निकालनी है हमें वैल्यू। शॉर्टकट बहुत ही छोटा सा है, लगाते ही आंसर आ जाएगा, लेकिन पहले सीखो लॉन्ग कट, क्योंकि पेपर में ये सवाल 4 से 5 नंबर में आता है। एमसीक्यू में आएगा तो शॉर्टकट वर्क बताऊंगा अभी मैं आपको। फिलहाल इसको लिख लो, सवाल को लिखो भाई। sin 20 sin 40 sin 60 और sin 80, ये मेरा सवाल है, लिख लिया मैंने सवाल। ओके, अब आप ये देखो, इन सब में ना 4 चीजें हैं, इन सब में एक वैल्यू नोन होगी, इन सब में एक वैल्यू नोन होगी जिसके बारे में आप जानते हो। देखो येरी, ये वैल्यू नोन है साइन 60, ठीक है। ये सवाल साइन साइन में हो सकता है, कॉस कॉस में आ जाए, हो सकता है टेन टेन में आ जाए, ओके, किसी में भी आ सकता है, मेथड एकदम सेम रहेगा। एक वैल्यू नोन होगी, तो यहां पे नोन वैल्यू जो है पहले उसकी वैल्यू डाल दो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। पहला स्टेप तो ये है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चा आया समझ? पहला स्टेप क्या है, जितने भी एक्सप्रेशन दिख रहे हैं इसमें एक वैल्यू आपको नोन मिलेगी, जो नोन वैल्यू है उसे आप यहां बाहर ले लो, बाकी अननोन 1, 2, 3 रह गई। अगर मान लो ये साइन 60 ना होता, सिर्फ सवाल सिर्फ इतना होता 1, 2 और 3 एक्सप्रेशन, ये साइन 60 होता ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर ये स्टेप नहीं होता भाई। अगर नोन है तो नोन डाल दो, अगर नोन नहीं है तो ये स्टेप नहीं होगा, इतनी सी बात है। तो कभी कभी एग्जाम में 4 चीजों की जगह केवल 3 चीज आ जाती है, तो अगर 3 चीज आ जाएंगी तो नोन वाली वैल्यू नहीं डालेंगे, तो सवाल आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा देखो, तो पहला काम तो ये था, अगर नोन है तो नोन को डाल दो टेबल से निकाल के, और अगर नोन नहीं है तो ये काम जो मैं अब करने वाला हूं। इनमें देखो जो बड़े बड़े एंगल है, जो बड़े बड़े एंगल है वो ले लो, जो बड़े बड़े एंगल है। बड़ा एंगल सबसे बड़ा, सबसे पहले लेना साइन 80, उससे छोटा साइन 40, बस 2 लेना, और जो छोटा रह गया उसे कर देना पीछे, है तो सारे मल्टीप्लाई में। ये अप्रोच है, अगर ये अप्रोच लगाओगे तो सवाल आसानी से होता चला जाएगा, और अगर नहीं लगाओगे सवाल तब भी होगा लेकिन फंस सकता है, दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, तो इसलिए ये अप्रोच लगाना। नोन वैल्यू जो भी है टेबल से रख दो, अननोन वैल्यू में सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ा नंबर पहले, उससे छोटा बाद में, सबसे छोटा जो रह गया उसे ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में 2 ही आएंगी क्योंकि फॉर्मूला 2 का ही है, साइन साइन कॉस कॉस, 3 3 का फॉर्मूला नहीं है, एक बार में 2 इस्तेमाल होंगी, ठीक है, ध्यान रखना। बड़ी बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाहर, ओके। और अगर ये साइन साइड साइन 60 होता ही नहीं, सिर्फ 3 चीजें होती तो भी हम यही करते, बस बाहर ये चीज नहीं होती क्योंकि नोन नहीं है तो बाहर कुछ आएगा ही नहीं। बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाद में, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब रिलेट करो इसे फॉर्मूले के साथ, साइन साइन, ये रहा फॉर्मूला साइन साइन, आगे क्या है 2, इसमें आगे 2 नहीं है तो आगे 2 लगाऊंगा। देखो ऐसे मैं इसमें 2 लगाऊंगा अपनी मर्जी से, साइन 80 साइन 40
इसको मैं छेड़ ही नहीं रहा साइन 20। अब मैंने अपनी मर्जी से 2 लगाया तो यहां हटाना भी पड़ेगा, एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन। अगर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 से डिवाइड भी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें ये 2 इसलिए लगाया गया है ताकि फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए और अप्लाई हो सके। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी किया। यहां रूट 3/4 हो गया, 2 2 4। अब यहां लगाऊंगा मैं फॉर्मूला, यहां लगाऊंगा फॉर्मूला, ये रहा, ये ए है 80 और ये बी है 40। ये रहा फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी बन जाएगा ये चीज, ये चीज ये बन जाएगी। बना लो जी इसका फॉर्मूला, बनाना बच्चों, 2 साइन 80 साइन 40 बन जाएगा कॉस ए माइनस बी, 80 में से गया 40 तो 40 माइनस आएगा कॉस ए प्लस बी, 80 में 40 प्लस होगा तो 120, बाहर साइन 20 ऐसी रहेगा इस तरह से। अब एक बात, कॉस है ना, कॉस है, कॉस 120 है, 120 को इस तरह से तोड़ देंगे, ठीक है, 90 प्लस 30, इस तरह से 120 को तोड़ देंगे 90 प्लस 30, नोन बन जाएगी वैल्यू, नोन है ना। और एक बात मैं आपको यहां बता देता हूं, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो थीटा यहां पे 30 है तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का साइन 30। माइनस क्यों, क्योंकि देखो 90 का बॉर्डर ये रहा है ना, 0 से 90, और 90 में कुछ भी प्लस होगा तो आप चले जाओगे सेकंड में, और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आया है, सेकंड में कॉस नेगेटिव इसलिए नेगेटिव आया है। तो ये बातें याद रखना, यहां पर एक वैल्यू हमेशा तोड़ने वाली बनेगी, ब्रेक करने वाली बनेगी। आगे बढ़ रहा है सवाल, 3/4 ऐसे ही, कॉस 40 अननोन है, अननोन रहने दो, कॉस 120 को तोड़ दो कॉस 90 प्लस 30 में, हमेशा ऐसा होगा, बाहर वाले को डिस्टर्ब मत करो। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, रूट 3/4 ऐसी रहेगा, ब्रैकेट कॉस 40 ऐसी रहेगा, कॉस 90 प्लस 30 बनेगा माइनस तो प्लस हो जाएगा अंदर, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है ना, और कॉस 90 माइनस थीटा माइनस का होता है तो प्लस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा मतलब साइन 30, बाहर कौन है साइन 20। यहां तक बात आती है। अब देखो फिर से ना, यहां पर एक वैल्यू नोन बन गई, ये वैल्यू बन गई नोन, तो अगर नोन बन गई तो नोन की वैल्यू डाल दो, अगर नोन बन गई तो नोन की वैल्यू डाल दो, कॉस 40 ऐसी रहेगा, साइन 30 कितना होता है 1/2, बाहर साइन 20 ऐसी रहेगा। अब इसे अंदर लेके आओ, ठीक है, अब इसे अंदर लेके आओ, क्योंकि बाहर ये कब तक रहेगा, आओ, ठीक है, आओ जी अंदर, आओ राजा, कुंडी ना खड़काओ राजा। तो राजा जी अंदर आ गए, 1/2 sin 20, ठीक है जी, यहां तक बात आ गई। अब ये सवाल फिर दोबारा फॉर्मूले की शक्ल में बन चुका है, कॉस साइन, ये रहा फॉर्मूला कॉस साइन, लेकिन आगे 2 नहीं है, फिर दोबारा वही 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई होगी तो बाहर 2 से डिवाइड भी होगी। देखो ऐसे, ये 4 है, यहां 2 से मल्टीप्लाई, ध्यान रखना 2 से मल्टीप्लाई होगी तो यहां भी होगी और यहां भी होगी, पूरे एक्सप्रेशन में होगी ना मल्टीप्लाई, ऐसे थोड़ी है कि आधे में रह जाएगी, क्योंकि ये प्लस में आ गया ना, प्लस में आ गया तो पूरे एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई यहां होगी तो 2 cos 40 sin 20 प्लस, और 2 से यहां होगी तो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा साइन 20। बोलो बच्चों समझ आया कि नहीं आया, दोबारा बता रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई होगी तो यहां पे 2 लग जाएगा, जो इन सब में मल्टीप्लाई का काम कर रहा है, यहां पे भी 2 लग जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो साइन 20 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई हुई तो यहां 2 से डिवाइड भी होगा, एक्शन का रिएक्शन, 2 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहां 2 से डिवाइड भी होगा, इस बात को ध्यान रखें, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड भी होगा, एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन। आगे बढ़ रहा है सवाल, रूट 3/8 ऐसी रहेगा, यहां लगा दो फॉर्मूला, ये रहा, यहां लगा दो फॉर्मूला, कहां है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, 2 cos sin, ये रहा 2 cos sin, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ए यहां पर ये है, बी यहां पर ये, लगाओ क्या है, साइन ए प्लस बी यानी साइन 40 और बी 60 माइनस साइन ए माइनस बी, 40 में से 20 गए 20, और वो इंतजार में है, इंतजार में है कि कब कटेगा, ले बेटा कट गया, ले ले मौज, आ गया स्वाद, कट गया, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही होगा, ऑलवेज ऐसे होगा। अब यहां पर देखो एक वैल्यू नोन बन गई, बस मेरा आंसर आ गया, अब मैं बताऊंगा आपको इसका शॉर्टकट, ठीक है, पहले आंसर निकाल देता हूं इसका, बाहर कितना है रूट 3/8 और ये कितना है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू नोन होती है रूट 3/2, सॉल्व कर दो, रूट 3 की रूट 3 में होगी 3, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है,
ठीक है, बहुत कुछ कट रहा है, 8 × 2 = 16 और मेरा आंसर आ गया 3/16 है कहीं, यस दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो ये सवाल ज्यादातर पेपर में एमसीक्यू में ना आकर के लॉन्ग कट में आता है, लॉन्ग कट में, तो आप देख लो उसे। ठीक है, एक बार दोबारा से बता रहा हूं, अगर ये सवाल मान लो सिर्फ ऐसा होता sin 20, sin 40 और sin 80, ये सवाल cos में भी हो सकता है, लाइक cos 20, cos 40, cos 6, cos 80, 10 में भी हो सकता है, 10 20 10 40 10 80, अगर ये सवाल 10 में होता तो इसे ऐसे लिखते sin upon cos, sin upon cos, sin upon cos, ऊपर वाले को अलग सॉल्व करते, नीचे वाले को अलग सॉल्व करते और दोनों के आंसर एंड में डिवाइड में रख देते तो आंसर आ जाता। फिलहाल अगर ये सवाल 3-3 में होता तो यहां पर ये स्टेप नहीं होता, ये वाला स्टेप, रीजन क्योंकि यहां पर कोई वैल्यू नोन नहीं है, ये बाहर वाली वैल्यू नहीं होती, सवाल यहां से स्टार्ट होता, बड़े बड़े नंबर पहले छोटा नंबर बाद, सबसे बड़ा पहले उससे छोटा, छोटा नंबर बाद। ठीक है, लेकिन अगर नोन है तो नोन को रख दिया जाएगा। खुद सोचो ना यार, नोन का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, नोन तो पहले ही बाहर हो गया है ना, इस्तेमाल तो अननोन का हो रहा है, तो बस बड़े नंबर पहले छोटा नंबर बाहर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन, इसे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोलते हैं, फॉर्मूला लगा उसके बाद एक वैल्यू बनेगी ब्रेक करने वाली, ब्रेक कर दिया, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का होता है वो लगा दिया, नोन वैल्यू मिलते ही नोन वैल्यू की वैल्यू डाल दी, वैल्यू डालने के बाद इसे अंदर ले गए, फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, फिर दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो भी मैच कर रहा है उससे, इसके बाद पक्का कटेगा और एक नोन बनेगा, नोन की वैल्यू वापस दे दो, आंसर आ जाएगा आपका और आप हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बताऊंगा इसका शॉर्टकट, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट फास्ट फास्ट, ले लिया, चलो गायब कर रहा हूं मैं इसे, ठीक है, गायब हो जा सेम सेम गायब। अब देखो जी शॉर्टकट, ठीक है, अब देखो शॉर्टकट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। अगर सवाल 4 में है तो पहले तो नोन बाहर निकाल लो, चल भाई नोन तू तो बाहर आ जा बस, ठीक है, नोन को बाहर निकाल लो। अगर सवाल 3 एक्सप्रेशन में होता, नोन वैल्यू नहीं होती तो इसका इस्तेमाल होता ही नहीं, नोन है तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, है ना। अब यहां पर हमेशा 1/4 लगाना है, ऑलवेज हमेशा 1/4, चाहे सवाल साइन में हो, चाहे सवाल कॉस में हो, चाहे सवाल टेन में हो, कोई भी हो, हमेशा 1/4 लगाना है। ठीक है, अगला स्टेप, सवाल अगर साइन में है तो साइन लगाना है, सवाल अगर कॉस में है तो कॉस लगाना है। अगला स्टेप, सबसे छोटा एंगल देखो कौन है, सबसे छोटा एंगल कौन है, 20 है 40 है 60 है 80 है, आई थिंक 20 है, सबसे छोटे एंगल का 3 times अंदर लेना है, 3 times, ये शॉर्टकट ध्यान रखना है। बाहर वाली वैल्यू अगर है तो आ जाएगी, वरना शॉर्टकट तो इतना है, अगर ये साइन 60 ना होता, साइन 60 नहीं होता तो हमारा शॉर्टकट इतना लगता, हमेशा 1/4 आएगा ही आएगा, साइन आएगा ही आएगा, 3 times ऑफ स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल 20 है बस, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 1/4 ये है ही, और ये क्या बन गया साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कर दो मल्टीप्लाई, √3 की √3 में होगी 3, 2 × 8 × 2 = 16, कम ऑन हैप्पी हैप्पी कहाँ है ये रहा, ठीक है हैप्पी, ये शॉर्टकट है, आगे समझ। तो अगर सवाल एमसीक्यू में आएगा तो इससे खेलना, और अगर सवाल लॉन्ग कट में आएगा तो उससे खेलना, लॉन्ग कट में अगर आपने ये लगा दिया तो आपको मिलेगा अंडा, क्या मिलेगा अंडा, और सर पे पड़ेगा डंडा, तो ध्यान रखना। ठीक है।